महानगर में शनिवार को शासन के द्वारा लगाए गए आंशिक कर्फ्यू का पुलिस प्रशासन ने कड़ाई से पालन कराया। इस दौरान महानगर में बिना कारण घूमने वाले वाहनों का नंबर नोट कर चालान किया गया तथा संतोषजनक उत्तर मिलने के बाद ही उनको जाने दिया गया। जिसके संबंध में SPCT सोनम कुमार ने बताया कि आंशिक कर्फ्यू का पालन कराने के लिए महानगर में 41 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं तथा उन चेकिंग पॉइंट पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सभी चेकिंग पॉइंट पर एक रजिस्टर को रखवाया गया है। उस चेकिंग पॉइंट से गुजरने वाले सभी वाहनों के नंबर नोट किए जा रहे हैं तथा वाहन का कारण पता कर उनको जाने दिया जा रहा है तथा अनावश्यक घूमने वाले वाहनों का चालान किया जा रहा है। SPCT सोनम कुमार ने अनावश्यक घूमने वाले लोगों से कहा कि बिना कारण घर से बाहर ना निकलें, कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, अरे दूर से बताओ यार। ड्राइवर का नाम सफीउल्ला खान। सफीउल्ला जी, पैसा नहीं है मोबाइल नंबर 9834-3262। कोई दिक्कत नहीं, लग जाओ यार। कहाँ से आ रहे हो? सर सिलेंडर लेके आ रहे हैं। कौन सी गाड़ी है? इनोवा है। इनोवा सेकंड दो। हाँ इनोवा पहनिया आप देख सकते हो यार। पहनिया यार पहनवा था उसने। अनावश्यक रोड पर गाड़ी न चलाएं,
लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर न निकलें। कृपया ध्यान दें, आने वाले स्थानों पर अनावश्यक जाने से बचे, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। आपस में यात्रा करते आवश्यकता अनुसार हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। कोरोना के लक्षण परिलक्षित होने पर तत्काल जांच कराएं। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की सावधानी ही कोरोना से बचाव का उत्तम उपाय है। बिना मास्क का चालान 1,000 रुपए कर दिया गया है। अनावश्यक रूप पर गाड़ी न चलाएं। देखिए लॉकडाउन को लेकर के अलग अलग चेकिंग पॉइंट बनाए गए 41 जगह पर, ड्यूटियाँ भी लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त आज से हर चेकिंग पॉइंट पर जो है एक सब इंस्पेक्टर को लगाया गया है कप्तान साहब के आदेश पर, और एक रजिस्टर भी रखवाया जा रहा है। जो भी वाहन आ रहे हैं उनको चेक किया जाएगा, अगर वो वाहन अलाउड है, मान लीजिए आवश्यक वस्तु है, हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है या वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है, अगर वो अलाउड है तो उसकी एंट्री की जाएगी रजिस्टर में और तब उसे जाने दिया जाएगा, और बाकी जो गाड़ियां होंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें वापस भेजा जाएगा और जो भी कार्रवाई विधिक वो की जाएगी उनको। चलान होगा, जुर्माना होगा, और जो दुकान खोल के रखे हैं उन पर मुकदमा भी किया जाएगा। अभी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था 12 से 2 का, इस तरह शाम में भी चलाया जाएगा, और ड्यूटियाँ जो हैं 12-12 घंटे की शिफ्टों में लगी हुई हैं। सर जो अनावश्यक निकल रहे हैं उनके लिए क्या कहना? मैं यही कहूँगा कि आप घरों पर ही रहें, क्योंकि संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, ये सबको जानकारी में है, इसलिए घर पे रहें, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी से खुद को बचाएं।